হ্যালো, নমস্তে, সত শ্রী আকাল, আদাব, কেমছো, কেমন আছো বন্ধুরা, স্বাগত আপ সবকো সৌরভস কিচেন মে। দোস্তো, আজ হাম বানায়েঙ্গে ভেজ পরাঠা, অর কিউকি হাম পরাঠা বানা রহে তো সিরফ তো পরাঠা তো নেই সার্ভ কর সকতে, উসকে সাথ জরুর চটনি ইয়া ফির দহি হোনা চাহিয়ে, অর মেনে ভি দহি কো থোড়া সা ইন্টারেস্টিং বানানে কি কোশিশ কিয়া হ্যায়, তো দেখতে রহিয়ে মেনে ইসে কিস তরহ সে বানায়া হ্যায়, অর আগর আপকো আচ্ছা লাগে তো আপকো মেরে লিয়ে থোড়া কাম করনা পড়েগা, মেরে ইস ভিডিও কো জরুর লাইক, কমেন্ট এন্ড শেয়ার করনা আপনে দোস্তো কে সাথ, অর আভি তক মেরে চ্যানেল কো আগর আপনে সাবস্ক্রাইব নিয়ে কিয়ে তো প্লিজ ইসে সাবস্ক্রাইব করনা, অর বেল আইকন কো ইয়াদ সে দবা দেনা, জিসসে কি আপকো মেরে নয় নয় ভিডিও কা নোটিফিকেশন মিলতা রহে। তো চলিয়ে মেরে কিচেন মে, আজ হাম ভেজ পরাঠা বানা রহে তো উসকে লিয়ে তো হামে ঢের সারা সবজি তো জরুর চাহিয়ে, অর উসকে লিয়ে হামনে লিয়া হ্যায় এক কড়াই মে, তো পহলে হাম পানি লেঙ্গে থোড়া সা গরম করেঙ্গে, অর উসকে বাদ হাম ইসকে অন্দর ডাল দেঙ্গে এক এক করকে গ্রেটেড ক্যারেট, উসকে বাদ চপড ক্যাপসিকাম, উসকে বাদ গ্রেটেড আলু মতলব পটেটো, অর উসকে বাদ দেঙ্গে ফাইনলি চপড বিনস, অর উসকে বাদ দেঙ্গে থোড়া সা ক্যাবেজ মতলব পত্তা গোবি, ইন সবকো হাম থোড়া সা বয়েল করেঙ্গে, হালকা একদম হালকা বয়েল করেঙ্গে, অর ইসে ছান লেঙ্গে। सारे सब्जी को अच्छे से बॉईल करने के बाद हमने इसे छान लिया है, और अभी हम एक बर्तन में तकरीबन 4 कप मैदा ले लेंगे, आप अपने घर के लोगों के हिसाब से आप मैदा ले लेना कम ज्यादा, और उसी हिसाब से सब्जी ले लेना, और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, और देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट एंड देंगे 2 टीस्पून शुगर, और इसे अच्छे से पहले इसे मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे हमने जो सब्जी बॉईल किया थे वो सब्जी हम इसके अंदर डाल देंगे, और सिर्फ वही सब्जी नहीं और भी सब्जी हम डालेंगे, तो देखते रहिए। और एक बात दोस्तों ख्याल रखना, हम इसके अंदर कोई पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि बॉईल करने के कारण इसके अंदर ऑलरेडी पानी है दोस्तों, इसलिए हम इसके अंदर और कोई पानी ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद हमने डाल दिया है तकरीबन 2 टमाटर अच्छे से चॉप किया था हमने, और उसके बाद डाल दिया है चॉप धनिया का पत्ता एंड तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्च अच्छे से चॉप किया हुआ, और अगर बच्चे खा रहे हैं तो मिर्ची को आप स्किप भी कर सकते हो, और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अच्छे से हमने डो बना लिया है। अच्छे से डो बनाने के बाद हम थोड़ा सा रिफाइंड तेल इसके ऊपर लगा देंगे, जिससे कि ऊपर का हिस्सा ड्राई ना हो, और उसे ढक कर हम तकरीबन आधे घंटे रख देंगे। और इधर हम दही को तैयार करेंगे, और उसके लिए हमने तड़का पैन में तकरीबन 1 टीस्पून बटर डाल दिया है, और 1 हरी मिर्च और 4-5 कड़ी पत्ता, इसको थोड़ा सा गर्म करके हम इसको दही के अंदर डाल देंगे, और इससे एक अलग ही टेस्ट लगेगा दही को, तो एक बार ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। और इस पराठे के साथ तो ये दही बहुत ही यम्मी लगेगा, सो जरूर इसे बनाना मत भूलना दोस्तों। देखिए दोस्तों, पराठे के साथ दही भी अच्छा लगता है, पराठे के साथ बटर भी अच्छा लगता है, और इसे अगर आप मिला दो तो सोने पे सुहागा। अब हम इसे जल्दी से मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद हम जाएंगे पराठा बनाने के लिए, तो चलिए। अभी हम इस डो से छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े गोले बना लेंगे, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारा सब्जी है, इसके कारण गोले तो आपके बड़े लगेंगे परंतु इसे बेलने के वक्त इसे छोटा ही लगेगा, तो पहले तो हम गोले बना लेंगे, उसके बाद इसे हम बेल लेंगे, और उसके बाद हम इसे सेकेंगे। और पराठे को सेकने के बाद भी कुछ और भी बाकी है दोस्तों, तो जाइएगा मत।
देखिए दोस्तों, हमने अच्छे से सारे पराठा सेक लिया है, परंतु ढेर सारे सब्जी होने के कारण इसका शेप अच्छा नहीं हुआ। तो इसका भी एक सोल्यूशन है मेरे पास। तो देखिए, इस तरह से हमने सारे पराठे को एक शेप देने की कोशिश किया है, क्योंकि उल्टा सीधा शेप के पराठे बनाकर किसी के प्लेट में सर्व करो, ये भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने ये किया है। और अगर आप गोल सा पराठा बना सके तो बहुत ही अच्छा बात है, तो इसे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेरे पराठे अच्छे से गोल नहीं हुआ, इसलिए मैंने इस तरह से किया है। दोस्तों, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। और देखिए, अच्छे से छोटे छोटे है परंतु एकदम गोल, और प्लेट में सर्व करो तो वो भी अच्छा लगता है। तो हमने तो पराठा भी बना लिया और दही को भी इंटरेस्टिंग बना दिया है। तो आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताना एकदम मत भूलना दोस्तों, और घर पर इसे ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। और दोस्तों, आप लोगों को एकदम खुला छूट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता तो आप एकदम दिल खोलकर मुझे बोल सकते हैं कि मेरा वीडियो अच्छा नहीं बना, तो मैं इसे और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो सी यू सून विथ माई नेक्स्ट रेसिपी। बाय बाय, हैव ए गुड डे एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।